सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और सड़क सुरक्षा यातायात नियमों से आम जनमानस को जागरूक किए जाने के उद्देश्य को लेकर सितंबर माह में दूसरे सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज किया गया है। इसके तहत आज 24 सितंबर से 30 सितंबर तक द्वितीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। जनपद महोबा में रोजाना हो रहे सड़क हादसों में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग के द्वारा ये चलाया जा रहा है। इस जन जागरूकता अभियान के तहत आपको बता दें कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और सड़क सुरक्षा यातायात नियमों से आम जनमानस को जागरूक किए जाने के उद्देश्य को लेकर सितंबर माह में दूसरे सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। इसके तहत 24 सितंबर से 30 सितंबर तक द्वितीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसमें अनाधिकृत रूप से संचालित बसों के विरुद्ध चेकिंग, राजमार्गों पर सड़क के किनारे स्थित ढाबों और ट्रक चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा और अवैध खड़े वाहनों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। साथ ही साथ बिना हेलमेट और तीन सवारी के साथ दोपहिया वाहन चालक ट्रैक्टर ट्रॉली पर स्वयंसेवी संस्थाओं या किसी अन्य संस्था कंपनी से प्रायोजित कराकर निःशुल्क रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगवाए जाने की कार्रवाई कराए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। हमारे द्वारा जो आज हमारे माननीय अध्यक्ष जी द्वारा, चेयरमैन साहब द्वारा प्रचार वाहनों को रवाना किया गया है, ये जिले के विभिन्न सड़कों से होता हुआ ये इस चीज़ का प्रचार करेंगे ये लोग, जिससे जागरूकता हो सके कि भाई सड़क सुरक्षा के नियम क्या हैं, कि हम जब अगर टू व्हीलर से अगर सफ़र करें तो हेलमेट का प्रयोग करें, अगर फोर व्हीलर है तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें, मोबाइल फ़ोन पे बात करते समय कभी भी गाड़ी ना चलाएं, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं और गलत लेन में ना चलाएं, तेज़ रफ्तार से भी गाड़ी ना चलाएं। बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो हम ये समझते हैं कि जितने लोग हैं सभी को पता है, फिर भी पालन लोग कम करते हैं। इसीलिए ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है ये जन जागरूकता का कार्यक्रम है, जिससे लोगों में जागरूकता आए, सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक हों। और मुख्य उद्देश्य सरकार का भी, हमारी केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी हो। लोगों की जो अभी तक संख्या है हताहतों की या मरने वालों की बहुत ज़्यादा है, इसका मेन मकसद यही है कि लोगों में अगर जागरूकता आएगी, सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से दुर्घटनाओं में कमी आएगी। और इसको समाज का, देश का जो बहुत सारा पैसा बर्बाद होता है हमारे दुर्घटनाओं से, जनहान की नुकसान होता है, ये नहीं होगा और देश भी निरंतर जो है विकास करता रहेगा। तो ये हमारा पर्पज केवल ये है कि प्रचार वाहनों के माध्यम से और जो हमारे कार्यक्रम चलते रहेंगे एक सप्ताह, ये सब जन जागरूकता के कार्यक्रम हैं। इसमें हालांकि हमारी इन्फोर्समेंट की कार्रवाई भी है, जो लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे हम लोग उन वाहनों का चालान भी करेंगे और उन लोगों से जुर्माने वसूला जाएगा। तो ये जन जागरूकता प्रसार प्रसार का कार्यक्रम है हमारा। आज यहाँ RTO कार्यालय महोबा में द्वितीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आज प्रारंभ हो रहा है, जो कि 30 सितंबर तक अनवरत जारी रहेगा और इसके माध्यम से लोगों को जागरूक करने का एक प्रयास होगा, ताकि हमारे देश में या जिले में, प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं कम हो सकें और इस जागरूकता के माध्यम से लोगों में तेज़ी से एक संस्कार विकसित हुआ है। एक बात सामने आई है कि लगातार इस जागरूकता के कारण दुर्घटनाओं में निरंतर कमी हो रही है। जैसा कि हमारी केंद्र की सरकार, जो कि सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय श्री गडकरी जी द्वारा रोडों का जाल जिस तरह से फैलाया गया है और उसमें इस बात का विशेष ध्यान दिया गया है कि कम से कम दुर्घटनाएँ हों, और उसी के तहत आज जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित